नाजरीन प्रोग्राम आखिर छाक जे में आऊं तवाने मेज़बान अली रज़ा मंगी तवान जा हाजिर आया। नाजरीन IMF जो पाकिस्तान जो गालियों इस्लामाबाद में हलन पयूं दुखियन फैसला करण जो इम्कान है। सब्सिडीज समेत मुख्तलिफ़ मरायतूँ खत्म करण की तजवीज़ डिनी वही है। मुख्तलिफ़ जे जरियन का खबर अचे पई तो दुखिया फैसला क्या वेंदा। जी तबर है त पेट्रोल डीजल बियन जो पेट्रोलियम मसनूआत उन्होंने अघन में वाद कई वही उन महंगाई बेहतर वही वही है। महंगाई उरूज ते है, मानू परेशान आहिन, आवाम परेशान है। PTI के दौर में IMF से मुआदो थो उनके फॉलो करणो है। इ हकीकत है तो जैसे आलमी इदारा के भी मुआदा कन्दून के भी गाल कन्दून तो रियासतों से थन्दून हुकूमतों से या उन कें शख्स से उन्दून। IMF जे इन गालिन का पोए केड़ा दुखिया फैसला क्या वेंदा। छाकाण त पहिरें ही जो आवाम है वो परेशान है। मुल्की मईशत के हवाले से गाल बोल कंदासी, सियासी सूरत हाल सियासी अदम इस्तेहकाम की भी गाल कंदासी। खास तौर पर जो जेल भरियो तहरीक है उन पा गालासी। सीनियर तज़ निगार कालम निगार नसीर मेमण साहब असें जॉइन किया है। मेमण साहब प्रोग्राम में भलीकार चवा तो जी मेहरबानी दादा वरी मेहरबानी। मेमण साहब IMF के गालिन का पा शुरुआत क्यों था। IMF जो गाल हलन पयूं जरियन का ये खबरू रिपोर्ट थन पयूं त दुखिया फैसला करण जो इम्कान है। तवा के खबर है मानू पहिरें ही परेशान हैं, मुल्की अवाम पिसजे पो किसो कड़ा दुखिया फैसला थी सकन था जैसा जो अवाम है वो बेहतर परेशान थी वो यकीनी तौर से जो दुखिया फैसला है। माजी में जैसे PTI के दौर में दिठा वन तो दुखियन फैसलों से सीधो सौ अवाम मुतासर थो इतिहादी हुकूमत में भी सागी रिवायत रखी वही है। किए था ऐसो सूरत हाल के दूसरो जैसे अस दुखिया फैसला चूं था उनके पहले थोड़ो है तो IMF बुनियादी तौर से को भी कर्ज दी तो बैंक रोजमर्रा में जो बैंक में कर्ज करो था उनके मिसाल वो जो पाड़े की दुकान तदर से सामान वा हो तो उनको मिसाल वो को भी इदारो या फर्द या दुकान वो उधर दियण का पहले यो दिसंदो आ तो जैसे मैं उधर दियां वो वापस कर जड़ो आ है यो पहली शे होंदी आ जका सब दिसना है जेकर ये न हो जे तो उधर वो तो सवाल ही कोने पोतो चैरिटी का बिचे आए चैरिटी कोन दो जाहिर आ इंटरनेशनल बैंक आ वो यो इंश्योर कर चाहिंदा ने तो असा जे मुल्क के ही जो इतरा बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो प्या उन जी इकॉनमी जो ट्रैक ठीक आ है उनकी आमदनी एतरी आ है उन जा खर्च ने आमदनी में तो तवाजुन आ है उनका फाइनेंशियल सिस्टम्स एडा रोबस्ट आन जो ही एंड ऑफ द डे असा पैसा मोटाने जड़ा हों या बुनियादी बैंक का कर्ज करेंट तु मॉर्गेज कराई तीन मिल्कियतू सैलरी शीट वी ये छो तो वही एक्सरसाइज तुम आलमी लेवल से खी वो तो पाकिस्तान की इकॉनमी में जे झोल उनको नतीजो यो आ 75 साल थे 1958 का पाकिस्तान IMF का कर्ज पे वे पैरों कर्ज तो है को 1958 का अज तजमू तौर से इकॉनॉमी की सिचुएशन ये अना भी 60 साल मुल्क कर्ज खण वे तो कर्ज हूं प्रोजेक्ट्स जहा कर्ज जे वर्ल्ड बैंक या IRDA बन का वा ही कर्ज है ही कर्ज हों फाइनेंशियल स्टेबिलाइजेशन के लिए तो जर साल अगर फाइनेंशियल स्टेबिलाइजेशन कर्ज कर फाइनेंशियल स्टेबिलाइजेशन कर्ज तो ती माना तेज सजी इकॉनॉमिक सिस्टम में प्रॉब्लम्स है तेज कर IMF इन गाले तो एंगल का दिसन था चाहन था फॉर्म कन हि अस शर्त पूरा कर टैक्स कि टैक्स पूरा लगाई तो कि वन इंश्योर कंजा खर्च कि घटाई जैसे गाल अचन थ तो उनमें जाहिर आ जैसे टैक्स वे ती बिजली महंगी थे तुम पेट्रोलियम महंगो थे टैक्स तो घना इतना था अचन बदकिस्मती था टैक्स उनकी सलाह तो कमजोर आज उगाड़ी आ सिस्टम ठीक ना उनके शॉर्टकट यो नजर तो अचे तो बाबा बिजली जो बिल पेट्रोल तो हर को वो फिलहाल तो इन हणी छो टैक्स इन में उगाड़ी कर तंज कर यो सजी आम मानू की जिंदगी से शदीद असर पवंदा जैसे ये सख्त फैसला सही। अच्छा मेमण साहब कड़ा कारण है जो 75 साल अरसों गुजरी वो है पर इन वक्त तई का जटरादार पॉलिसी न जुड़ी सही है अड़ी का मौजून पॉलिसी न जुड़ी सही है जी तुम स्टेबिलाइजेशन की गाल कई तो हि रुगो कर्ज अस पा के स्टेबिलाइज कर वूँ पा तो भला आमदनी वधायूं उन हवाले से का जटरादार का जिका डिघी पॉलिसी छो न डिघे मुद्दे वाली पॉलिसी छो न पा जोड़ू इन के पुठियाँ कड़ा कारण है जिका डिघे मुद्दे की पॉलिसी न पी ठे उन सबब है
हिकड़ो यो त असां 80 ॾहाके खां पोइ लगातार जेके असांजे सरहदी मुल्कनि में पाड़ेसरी मुल्कनि में जेके जंगियूं हलियूं असां उन में पंहिंजे पंहिंजे मुल्क खे बैटल ग्राउंड तौरु ऑफर कयो, हुन जे नतीजे में को त पैसो अचणु लॻो त असां सम्झो ईंदो। इहो ईअं आहे जीअं थिए थो को रिश्वत जो पैसो, को ॿनीअ तां पैसो, को फलाणनि तां पैसो ईंदो थो रहे त माण्हू ज़िंदगीअ जा ख़र्च वधाए छॾींदा आहिनि, गाॾी ॿार साल नओं मॉडल वठंदा, घर ॿ टे मेंटेन कंदा, नौकर बि 4-5 रखंदा, ॿार बि महांगे स्कूल में पढ़ाइबा, मानी त ख़र्च बि वधाइबो, फर्नीचर बि महांगो वठिबो। उन जा कारण बेसिकली आहिनि त जेको सॼी असांजे 80 ॾहाके खां पोइ इकोनॉमी ठही आहे उहा सॼी ठही आहे जंगी बुनियादनि ते। अफ़गानिस्तान जी वार 80 खां पोइ लगातार हली आहे, असां उन में सुपर पावर जा साथारी रहियासीं, उन जे करे असांखे उन जंग जे एवज़े तौरु या उते जे मुख़्तलिफ़ शिकिलुनि में असांखे डॉलर्स मिलंदा रहिया। डॉलर्स ईंदा रहिया त असांजे हुकमरान सम्झो त सदा हाणे इहे डॉलर ईअं ई ईंदा रहंदा। जीअं मूं एग्ज़ाम्पल ते ॾियणु चाहियो त मिसाल तौरु जेकर कंहिं उतो का आमदनी जो हिकिड़ो इलीगल सिलसिलो शुरू थी वञे, को वॾो ऑफिसर हुजे, का अहिड़ी सीट मिले जंहिं ते महीने ते हुनखे 20-25 लख मिलणु शुरू थियनि, पोइ छा थींदो? घर जा सभु ख़र्च वधाईंदो, ॿार वांगुरु स्कूल मोकिलणु शुरू कबा, फर्नीचर सुठो थींदो, 4 नौकर रखबा, गाॾियूं 1 जे बजाए 3 रखबियूं, ज़िंदगीअ जी ज़रूरतुनि जे बजाए अयाशुनि खे तव्हां ज़रूरत बणाए छॾींदो। पोइ जेकर उहा 2-3 सालनि खां पोइ उहा पोस्टिंग जॾहिं न रहंदी आहे, पोइ तव्हां वञी पुछो त हुन ऑफिसरनि सां छा हाल थींदो आहे, छो त हुननि जी सॼी इकानमी मसनूई हूंदी आहे, उहा हिकिड़े हुन पैसे ते ठहियलु हूंदी आहे जंहिंजो को हूंदो ई कोन्हे। पाकिस्तान सां एग्ज़ैक्टली इहो थियो आहे त असां सभु ख़र्च वधाया, असां 5-6 ठांगर वधाया, असां हर तरह जी सिविलियन नॉन सिविलियन एक्सपेंसिस में असां जिते वञी कयासीं पे ओवरबर्डन कयो पंहिंजी इकानमी, ऐं इकानमी जो बेस ठहण जे लाइ असां एफर्ट कई था, इंफ्रास्ट्रक्चर न ठाहियोसीं, लाइन डॉलर ठीकु न ठाहियोसीं, पॉलिसीज ठीकु न कयोसीं, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट लाइ फिज़ा साज़गार न कईसीं, गवर्नेंस ठीकु न कईसीं, डेमोक्रेटिक प्रोसेस न हलायोसीं। इहे सभु शयूं हूंदियूं आहिनि त इकानमी ठहंदी आहे, इकानमी अकेले में न ठहंदी आहे, उन सॼी शइ ते त कंहिं एफर्ट कई कान। हाणे जॾहिं उहो पैसे जो दरवाज़ो थी वियो आहे बंदि, त हुकुमराननि त जीअं कंसिस्टेंसी सां का पॉलिसी पंहिंजी इकानमी ठाहिण जी एफर्ट ई करे न कई, हिन आसिरे त सदाई उहो डॉलरनि जो मनवस हाणे उहो नथो लहे, हाणे इंटरनेशनल सिचुएशन चेंज थी वई आहे, अवां ज़रूरत न रहियो सुपर पावर जी, हू तव्हां चाहिनि जॾहिं उहे डॉलर नथा ॾियनि, मईशत खे असां आहे, पोइ जॾहिं पंहिंजी मईशत न आहे त पोइ सवाइ कर्ज़ लाइ किश्तो खणण जो ॿियो को तरीक़ो बचो न आहे, पोइ जेके कर्ज़ ॾींदासीं पंहिंजा शर्त बि मञाईंदा। इहा मुख़्तसिर कहाणी आहे। सही सही, बिल्कुलु सही था चयो। अच्छा मेमण साहब, सियासी सूरतयाल जेका पंहिंजे मुल्क जी हिकिड़े वॾे अरसे खां रही आहे, उनखे कीअं था ॾिसो? हिकिड़ो अदम इस्तेहकाम रहियो आहे सियासी हवाले सां बि, त छा था सम्झो उन क़िस्म जूं शयूं जेके आहिनि उहे त सिधी रीत जेकॾहिं सियासी सूरतयाल बहितर न हूंदी त ॿाहिरियों इन्वेस्टर कोन ईंदो, ॿाहिरीं सीड़ बि कोन थींदी, ऐं को माण्हू असांखे कर्ज़ ॾियण जे लाइ तयारु न हूंदो, त छा IMF बि इन शइ खे नज़र में रखंदो आहे त हिन वक़्तु जेकॾहिं कंहिं मुल्क में सियासी इस्तेहकाम कोन्हे, हुकूमत का हिकु स्टेबल हुकूमत कोन्हे, त पोइ उन खे बि लवाईंदो आहे? इन क़िस्म जी जेका शइ आहे उहा छा IMF पंहिंजे ज़हन में रखंदो आहे? हलो जी जी मेमण साहब, आवाज़ अचे थो मुंहिंजो? IMF स्टेबिलिटी वञी ॾिसंदो आहे एक्चुअली इकानमी जी, सही पोलिटिकल इकानमी, पॉलिटिक्स बि आहे हिकिड़ो फैक्टर, पर मां तव्हांखे ॿ टे मिसाल थो ॾियां। मिसाल थाईलैंड आहे, उते बि मार्शल लॉ लॻी, सॼो कुझु हूंदो सिधो थी वियो, पर हुन इकानमी जा पैसा चेंज न कया। मार्शल लॉं ॿियनि मुल्कनि में बि लॻनि थियूं, ईअं न त रुगो असां वटि थियूं लॻनि। जापान में करप्शन जे करे केतिरा वज़ीर आज़म लथा, माण्हू सम्झंदा रुगो करप्शन पाकिस्तान में आहे, जापान हेॾी तरक़ी कई आहे उते कुझु कोन्हे, चाइना में केतिरा इशूज़ हूंदा आहिनि। सो इकनॉमिक इनस्टेबिलिटी जे बावजूद जेकॾहिं तव्हां सॉरी सियासी अदम इस्तेहकाम जे बावजूद जेकर तव्हांजी इकानमी जी पॉलिसी में कंटिन्यूटी हुजे त उहे ॿई शयूं अलॻि भली वेंदियूं। पर असांजे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में इहो ज़ाहिर आहे तव्हांजी ॻाल्हि ठीकु आहे त जेकर इकनॉमिक सियासी इस्तेहकाम न रहंदो त मुआशी इस्तेहकाम बि कमज़ोर ज़रूरु थींदो आहे, छो त असांजूं पॉलिसियूं जेके मईशत जूं आहिनि बदक़िस्मती सां उहे सियासी इस्तेहकाम खां डिटेच न आहिनि थियल, उहे अहिड़ी तरह उनखे असां बिल्ड न कयो आहे त हुकूमत कंहिंजी बि हुजे कहिड़ी बि हुजे इकानमी जो सिलसिलो पंहिंजे सिलसिले सां सिधे नमूने हलंदो रहे। इन्हनि शयुनि खे असां कॾहिं अलॻि न कयो। असांजी मईशत डीपली कनेक्टेड रही आहे फॉरेन पॉलिसी ऐं असांजी मिलिट्री पॉलिसी सां, त उहो मॉडल जीअं त असांजो इकानमी जो न आहे, तंहिंजे करे इन मसला आहिनि। IMF पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी खां वधीक उहो आहे त तव्हांजी माश चयो कहिड़ो था, हुनजो तसलसल जेको इशू थिए थो न,
मिसाल तौर इमरान खान साहब वेंदे वेंदे जो लत हणी छह महीना पेट्रोलियम जो प्राइस फ्रीज कर छो पॉपुलर सही लिखी रही आया सही, सही। हीरो थे के चक्कर में तक ड्रामो करो तो अजा अस पेट्रोल की प्राइस न बताइंदा छो तो उनके खबर ही तो मुझी हुकूमत वे पी लोड़ी तो बो केर अची तो आई एम एफ तो यो दिसंदी ना तो एक मुल्क मुआदो किया हुकूमत अलफ पे कई या बे पे कई तो यह जो डिसकंटिन्यूटी आई एम एफ बाधर करे थी अदम इस्तेमाल का अदम तसलसल उनके बाधर तो करी मेहरबानी मेहमान साहब तुम टाइम दिनों नाजरीन प्रोग्राम जारी है वा ब्रेक।